नमस्कार व्यूअर्स, द फेथ ऑफ पब्लिक जी न्यूज यानी कि ग्वालियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। बगैर सोचे समझे शिवपुरी जिले में अर्पित शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर सिख धर्म रू धर्म हमेशा जोड़ता है, लेकिन कुछ लोग बगैर सोच विचार के मीडिया में सुर्खियां बटोरने के मकसद से किसी भी धर्म या धर्म गुरुओं देवी देवताओं के खिलाफ कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, फिर यही टिप्पणी आपसी वैमनस्य का कारण बनती है। जबकि हमारा देश सर्व धर्म संभाव के सिद्धांत पर सभी धर्मों का सम्मान भाव से आदर सम्मान करने के लिए विश्वविख्यात है। यही कारण है कि देश में विभिन्न धर्म भाषाओं को चलते हुए भी अनेकता में एकता है। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ स्वयं को कंपेयर किए जाने से सिख धर्म के लोग खासे आक्रोशित हैं। शिवपुरी में अर्पित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिख समुदाय लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है। उनकी मांग पर अर्पित शर्मा के खिलाफ एफआईआर तो हो गई, लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए सिख समुदाय अर्पित को गिरफ्तार होने तक आंदोलन करता रहेगा। ऐसा निर्णय ग्वालियर फूलवा गुरुद्वारे में आयोजित बैठक के दौरान लिया गया। मैं सारी शिवपुरी की संगत ने विरोध किया और उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई, लेकिन पुलिस ने लीपापोती करते हुए उसके घर में उसको सील किया है और उसको पकड़ने में नाकाम रही है। और हमें तो ये सूचना भी मिली है कि वो कोई ऐसा रसूखदार है जिसकी कुछ अधिकारियों से साठगांठ भी है और प्रभावी व्यक्ति है। हम मांग करते हैं ग्वालियर की सिख संगत की तरफ से, दाता मुनि चौड़ की पूरी जो हमारी बाबा जी के सरपरस्त में संगत है, वो पूरी मांग करती है कि शिवपुरी की संगत के साथ हैं हम और उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख संगत है, आगे कार्रवाई करेगा, जल्दी से जल्द गिरफ्तारी की जाए, यही मांग करते हैं। घटना शिवपुरी के जेड़ा अर्पित शर्मा नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया के उत्ते जो गुरबाणी की दुकान की बेअदबी की है और अपने आप को गुरु गोबिंद सिंह जी के बराबर बहादुर होने का उन्हें जो लिखा है पोस्ट पाया है, वो समुचा सिख जगत के जोड़े हिरदे आ वो बलूंदरे गए हैं और समुचा सिख संगत जोड़ा रोष प्रगट कर रहा है। तो असी भी समुची ग्वालियर सिख संघ जी शिवपुरी की समुची संघ के नाल ने और उस जोर इस घटना की निंदा करते हैं और शांतिपूर्वक तरीके का विचारा हुए और इतनी मीटिंग हुई है। पर अगर शासन या प्रशासन ने जिस तरीके उन्होंने मदद कर रहा और सिख समाज की सुनवाई नहीं हो रही, अगर इस तरह का रवैया प्रशासन का रहेगा तो सिख संगत आगामी जो योजना है वो समुचा पंथ इकट्ठा होकर समुची ग्वालियर सिख संगत रोष मुजहरे या जो भी मर्यादापूर्वक जोड़ा वो असी रोष मुजहरे करा और ताकि ये सानू हक मिलना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू। और समुचिया संगतों को बेनती की जाती है कि कल गुरद्वारा फूलबाग विखे 10:30 बजे पहुँच के इतने जो आगामी योजना है वो हिस्सा लैन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू। तो आप जंगल में डाकू को पकड़ के ला सकती है, क्या है अर्पित शर्मा को नहीं पकड़ सकते हो? बताइए बताइए, आप पकड़िए। शिवपुरी पुलिस का फोर्स इतना नाकारा है, एक आदमी को दो दिन में गिरफ्तार नहीं कर सकता। बैठक में फूलबाग और दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारे से जुड़े हुए सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मेला सचिव श्री मिश्रा जी से खास मुलाकात के कुछ अंश। श्री मिश्रा जी वर्तमान में विगत 3 वर्षों से विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेले के सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्वालियर व्यापार मेला काफी ख्याति प्राप्त मेला है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संरक्षण में मेला
10 से 12 डायरेक्टरों की देखरेख में चलता था और उनके साथ एक बड़ी फौज हुआ करती थी। वहीं आज उद्योग विभाग के चंद अफसर और सचिव महोदय मिलकर के चला रहे हैं, तो उस मेले को चलाने में उनके अनुभव के बारे में जानते हैं हम। ग्वालियर मेला एक विशाल मेला है और मध्य प्रदेश के क्या उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से इसकी गिनती होती है। मेले में गत कई वर्षों से बोर्ड नहीं था, माननीय कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में ही मेला चल रहा है। मेला मुझे मेले ज्वाइन किए हुए करीब 3रा साल है, इसलिए अब 2-3 साल में करते करते काफ़ी कुछ समझ में आ गया है, आदत हो गई है, ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं होती। पर हाँ, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ की कमी जरूर महसूस होती है, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं। मेले में जहाँ जब से आपने मेले का चार्ज ग्रहण किया है, तो एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि स्थानीय कलाकारों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है आपकी देखरेख में। दूर दूर से कलाकार बुलाए जाते थे, जैसे फिल्म स्टार वगैरह बुलाए जाते थे। मेला ग्वालियर और ग्वालियर के बाहर और देश के पूरे व्यापारियों द्वारा ही लगाया जाता है। प्राधिकरण का काम उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना और कोशिश करना है कि कुछ नया आ सके। मेले में इस बार जो नए आइटम हैं, तो सर्कस लगा हुआ है, डिज्नीलैंड आया हुआ है, एक छोटे बच्चों के लिए भी डिज्नीलैंड है 5 साल से कम बच्चों के लिए। इसके अलावा 4 धाम यात्रा है, ये हमारे कुछ विशेष आकर्षण है। मेले में जैसे कुछ दिनों से छूट नहीं मिल पा रही है व्यापार में, थोड़े जो वाहन वगैरह के जो स्टॉल लगते थे वो नहीं आ पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के भी उतने जितने आना चाहिए आ तो रहे हैं, लेकिन जितने आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आ पा रहे हैं। तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पूरा मेले में मौजूद है, सभी ब्रांड यहाँ पे हैं। और जहाँ तक ऑटोमोबाइल का सवाल है, इस बार ग्वालियर मेले में कैप्टन ट्रैक्टर्स जो छोटी रेंज छोटे एचपी के कम एचपी के ट्रैक्टर बनाते हैं, वो अपना एक बड़ा स्टॉल लेके आए हैं। गुजरात बेस्ड कंपनी है, उनका स्टॉल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉल है। हीरो एंड हीरो मोटर्स जो मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, उनका भी स्टॉल यहाँ पर मौजूद है। हेरिटेज गार्डन बनने से क्या कुछ फर्क पड़ा है मेले के उसमें? मेले में मेला बहुत बड़ा स्वरूप है, मेले का करीब 106 एकड़ का मेला है, और जो एक्चुअल मेला लगता है वो करीब 40 से 50 एकड़ में ही लगता है, और काफ़ी बड़ा स्पेस है जो कि केवल बेकार पड़ा रहता था, किसी काम नहीं आता था, वहाँ पर केवल कचरा कूड़ा जमा होता रहता था। हमने जो गार्डन दिए हैं वो केवल उन्हीं एरिया में हैं जहाँ पर वो कूड़ा कचरा गिरता था और जगह हमारी खाली पड़ी रहती थी। एक चीज़ तो मैंने भी देखी घूम के यहाँ कि जो टंकी वाला एरिया था जहाँ पशु वगैरह की हाट लगा करती थी, वो एरिया इस बार बहुत अच्छे तरीके से मेले के रूप में डेवलप हुआ है। जो अजय गॉड लाइट वाले हैं, उनके द्वारा वो उस एरिया को, जहाँ की सेनाली बहुत कम जाना पसंद करते थे, लेकिन इस बार तो उस सेक्टर में काफ़ी हलचल देखी जा रही है। तो ऐसे और भी सेक्टर्स को जहाँ मतलब कम पहुँचते हैं सैलानी, तो बढ़ावा देने के आगे भी प्रयास किया जाएगा। हाँ, इस बार जो डिज्नीलैंड वहाँ पर लगाया गया है वो कुछ अलग जगह थी, वहाँ पर कोई जाना जो पसंद नहीं करता था। मेला सेक्टर में जो ज़्यादा बढ़ती हुई भीड़ थी उसको डाइवर्ट किया जा सके, इस लिए प्रयास किया गया और वहाँ पर डिज्नीलैंड लगाया गया, और जिससे वहाँ पर हमारे दर्शनार्थ में सैलानी काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, और मेले की मेले में जो झूला सेक्टर पर भीड़ होती थी वो कुछ कम हुई है। सेक्रेटरी साहब, और कुछ विशेष जो आप मेला सैलानियों से कहना चाहें अपने स्तर पर? ग्वालियर का मेला इस समय अपने उत्कर्ष पे है, पूरा मेला लग चुका है और मौसम भी अच्छा है, तो मेरी ग्वालियर के और आसपास के सैलानियों से यही आशा है कि वो अपने ग्वालियर के मेले का आकर आनंद उठाएंगे। ग्वालियर न्यूज से बात करने के लिए सेक्रेटरी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।